है उस शक्ति रूपी सीता का हरण। छल से बल से नमस्कार सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल मस्त हैं। तो साथियों, आज का ब्लॉग भी रामला के सिलसिले में ही है, तो उससे आगे की रिहर्सल कैसे चली, क्या चली, वो मैं आपको इस ब्लॉग के द्वारा दिखाऊंगा। इसमें एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें जिसने एक रावण के कलाकार हमारे पास आए थे ऑडिशन के लिए, तो उसका आप रोल देखिए, जो रामानंद सागर की रामायण में जो रावण का पार्ट जिसने किया था, हूबहू उनकी शक्ल वैसी है और आवाज का तो फिर क्या कहने, बहुत ही दमदार उन्होंने यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो आप एक बार इस ब्लॉग को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आज हमारे बीच में कृपाल सिंह जी आए हुए हैं लोनी से। तो ये बहुत बार स्टेज शो कर चुके हैं, बहुत ही रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लक्ष्मण का पार्ट खेला है इन्होंने बहुत जगह, काफी ख्याति हमने इनकी सुनी है। कृपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ का कैसा लगा माहौल और कैसा आपको लग रहा है? नहीं, मुझे आज आके बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, मतलब एक ओपन फोरम है और यहाँ पर एक अच्छे से अच्छी रामलीला करने की कोशिश भी जारी है और कई तरह के कलाकार, मतलब हर मंच से जिन्होंने, जैसे राम के अभिनय की बात करें या लक्ष्मण के अभिनय की बात करें, तो दो दो तीन तीन कैंडिडेट हैं और अदर जो पार्टिसिपेंट हैं अदर कैरेक्टर के, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। म्यूजिशियन में भी ये देखा है कि यहाँ दो तीन लोग जो हैं वो अलग अलग उसमें हैं म्यूजिशियन में, कि कहाँ सुरताल कहाँ कहाँ मैच करता है। तो मुझे बड़ी आज बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे मेरा मतलब आने की एक इच्छा थी, तो आज इसी माध्यम से जो है आज हुआ कि आने का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ही अच्छा मंच है और जहाँ ओपन फोरम पे जो बात हो रही है, हर किसी को जो है मौका दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं है। नहीं, नहीं, ये मेरे परिवार से है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे मित्र का भाई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं प्रभु राम से कृपा करूंगा कि इस कार्य को जो है अच्छी तरह से संपन्न करें और यहाँ की रामलीला एक अच्छी ख्याति प्राप्त करें। तो अब मुझे कृपाल जी की बात सुनकर लग रहा है कि वाकई हमारी रामलीला अच्छी होने वाली है। इस बार भव्य रामलीला का आयोजन जय बिहार नगरगढ़ में होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, और प्रभु राम आपकी हर इच्छा पूरी करें। हनुमान जी पहली बार जब राम और लक्ष्मण से मिलते हैं उस समय का। पांडे जी हमारे पहले जय बिहार में रहते थे, तो द्वारका चले गए, इन्होंने वहाँ भी सुना कि रामलीला की बड़ी धूम चल रही है जय बिहार में, इस बार बड़ी भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, तो उसी सिलसिले में आज हमारे रिहर्सल देखने आके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया दयाल जी, आप तो डायरेक्टर है हमारे, आपके होते हुए हमको अच्छा ही लगेगा। आपने हमारी इतनी सारी 3-4 रामलीला या 10-12 रामलीला में आप जुड़े हुए हो। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं डायरेक्टर हमारे बात आपने बिल्कुल। तो मतलब आप संतुष्ट हुए? बहुत भी, आपको बहुत अच्छा लगा? हुई, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा है, इस बार आपका तो सहयोग रहता ही हमेशा, इस बार भी रहेगा। बढ़िया सहयोग रहेगा आपका, प्रभु राम की अगर जरूर आऊंगा। जरूर आओगे मुझे पता है, और प्रभु राम की इच्छा के अनुसार बहुत ही अच्छा इस बार रामलीला होने जा रही है बिहार में। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सफल हो। और हमारे पात्र भी, आपने बहुत बढ़िया एक्टिंग करे, पात्र भी अच्छे हैं, लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक महीना हो चुका है। और यहाँ की भीड़ को देख के लगा कि जनता भी हमको बड़ा सहयोग दे रही है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, फिर इसी के साथ ही बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु राम अपना परिचय दे रहे हैं हनुमान जी को। तो हनुमान जी जो कि भेष बदल के आते हैं, प्रभु राम से तो कुछ छुपा नहीं, उनको तो समझ ही जाते हो, लेकिन लीला है उनकी है। तो अपना परिवार का परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि हम कौन हैं। Yeah.
कलाकार आज यहाँ पे आए हुए हैं, जो उनकी बहुत कई बार रामलला का मंचन किया हुआ है। तो ये राम के पात्र हैं और इधर देखिए हमारे राम के पात्र किस तरह से उन्हें देख रहे हैं और सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार वाकई जय बिहार में बहुत ज़बरदस्त रामलला होने वाली है। देखिए हनुमान जी समझ गए कि कौन है ये, प्रभु है ये, तो उनको पता लगा नाम है लक्ष्मण। बहुत ही ज़बरदस्त, इस बार बड़ा भव्य लीला का आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है। आज बहुत दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं और देख सकते हैं आप इस टाइम पब्लिक भी देखिए, पूरा ग्राउंड में बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, सब आनंद उठा रहे हैं इस चीज़ का। भव्य लीला का आयोजन जय बिहार रजबगढ़ में सर्व समाज एसोसिएशन द्वारा, बहुत ही सुंदर। आवाज को खोल थोड़ा और, शाबाश। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। उसके बाद एकांत
जितने राक्षस हैं वो चले गए। एकांत एकांत हर दूषण का वध, हर दूषण का वध, वो भी एक सामान्य मनुष्य द्वारा। असंभव असंभव असंभव। देवता दानव गंधर्व किसी में इतना साहस नहीं जो मेरे समान मेरे अनुपालकों का अहित कर सके। फिर मेरे समान बलशाली खर और दूषण का वध करने वाला कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। जब एक अकेले तपस्वी ने सब वीरों का संहार किया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ श्री नारायण ने अवतार लिया। वहां अपना परिचय देने को ही दिखलाई है यह युक्ति मुझे। अब इस क्षण के कारण मिलना है पिछले ऋण से मुक्ति मुझे। ये पैर नहीं, ये पैर नहीं अनुराग है, ये मौत नहीं ये मोक्ष है। हरी सामने हो और सर मेरा हो तो भव सागर तरना है। सुर नर नाथ असुर खग माही, मोर अनुचर समको नहीं। खरदूषण मो संबलवंता तनहि मार सकी बिनु भगवंता, बिनु भगवंता, बिनु भगवंता। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विष्णु 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 तुमने धरती पर अवतार ले लिया है। यदि ये सत्य है, यदि ये सत्य है तो मैं राक्षस राज लंकाधिपति तुमसे पैर बहाऊंगा और अपने पापों से मुक्ति पाऊंगा। तालियां जोर से। मेरा एक शरीर तो तामसी है, इससे पूजा पाठ जब तक कुछ भी नहीं हो सकता तो क्या है मेरी मुक्ति का उपाय, क्या है मेरी मुक्ति का उपाय। सीता मैं उस शक्ति रूपी सीता का हरण हरण छल से बल से ताप से कपट से उस सीता का हरण करूंगा और उसको ढूंढते ढूंढते वो तपस्वी अवश्य लंका में आएगा और अंत में मोक्ष। मोक्ष प्राप्त होगा। और सीता का हरण ये कठिन कार्य कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कौन है जो हंसते हंसते मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। कौन है, कौन है, कौन है। याद आया वारे कपट विद्या के धनी मारीच तू कब मेरे काम आएगा। अब मैं चाहता हूँ उस मारीच की सहायता से अपने इस कार्य को सिद्ध करता हूँ। मारे मारे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में इतना ही था आज के लिए और आगे की जो रिहर्सल होगी जब भी अच्छे से सीन्स वगैरह मैं आपको दिखाता रहूँगा और आपको प्रभु राम की जो हमारी लीला होने जा रही है उसका जो भी रिहर्सल हम कर रहे हैं वो आपको मैं पूरा पूरा अपडेट देता रहूँगा और इसी तरह से दो तीन दिन में एक एपिसोड में आपको डालता रहूँगा। तो आप पूरा देखने के बाद ही चैनल के पूरे ब्लॉग उसको देख सकते हैं आप इसमें और बहुत सारे ब्लॉग मैंने डाले हैं शुरू से अभी तक जितने दिन की भी हमारी रिहर्सल हुई है वो मैं सारे इसमें पोस्टली डालता ही हूँ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे और इसी तरह से हमारे को सपोर्ट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।